कैसे ये कर्दी जोन करेंगे, उनके हित में जो होगा सो करेंगे, वो जोन निर्णय लेंगे मानेंगे। जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, एक नौकरी में था, नौकरी छोड़ करके राजनीति से आज हमारा जो संतोष है वो कोई आता है बनने के लिए, कोई आता है कमाने के लिए, तो ऑलरेडी प्रोफेशनल, अगर जनता चाहेगी तो उसको भी बना सकते हैं। तो इसीलिए अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है, इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बन गई है। महागठबंधन में 7 घटक दल हैं नीतीश कुमार के साथ। महागठबंधन में शामिल होने वाले जीतन राम मांझी भी हैं। जेडीयू के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल हुई थी एनडीए को बाय बाय बोलकर। लेकिन अब नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि 2025 में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, तो जीतन राम मांझी भले ही वो सहमति वक्त वक्त पर जताते हैं, लेकिन अब मांझी तुलना करने लगे हैं तेजस्वी यादव और अपने बेटे संतोष सुमन मांझी के बीच। देखिए, संतोष सुमन मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, फिलहाल वो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से जब तुलना जीतन राम मांझी कर रहे हैं तो तमाम बातों का वो हवाला दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ ही साथ इशारों में नहीं तेजस्वी यादव का नाम लेकर भी और इशारे में भी कह रहे हैं कि अनुभव भी ज्यादा है। देखिए, पैसे का पीछा नहीं किया है। देखिए, साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर यह निशाना जीतन राम मांझी का है। और आप जान रहे, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के सिर पर हाथ रखते हैं, जब वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही तो आगे देखेंगे, तो मांझी बमक जा रहे हैं। मांझी कह रहे हैं कि हमारे बेटे में कोई कमी है क्या, मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे बेस्ट है, वो इसलिए नहीं बन सकता कि दलित है, ऐसा है क्या? लेकिन पहले आपको सुनवाते जीतन राम मांझी का वो बयान। कैसे ये कर्दी जोन करेंगे, उनके हित में जो होगा सो करेंगे, वो जोन निर्णय लेंगे मानेंगे। लेकिन जहां हड़ताल का सवाल है तो हमारा यही कहना है कि जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, एक नौकरी में था, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, 42 वर्ष गुजार दिया। जब भारत का प्रधानमंत्री जब कहता है कि जीतन मांझी जी आपने सरकार चलाई, भारत का देन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था उसने कहा कि हम बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखा मांझी जी, लेकिन आपके ऐसा कम समय में चलाना हम नहीं देखा है। तो उसी प्रकार से आज हमारा जो संतोष है वो कोई आता है बनने के लिए, कोई आता है कमाने के लिए, तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिल रहा है, और यहाँ MLC में तो उसको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और तो क्या करेगा अगर चोरी न करे तो चोरी करने का तो कोई अभी नहीं है, कोई बता दे कि चोरी किया है। तो कहने का मतलब हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनहित में आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, न कि हम लोग प्रोफेशन में आए हैं कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, कहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब हम 22 वर्ष के हो जाएंगे तब ना हम वोटर होंगे, तो हम भी वोटर हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से संतोष कुमार चौहान भी एक है, लाइवल आदमी है, अगर जनता चाहेगी तो उसको भी बना सकते हैं। तो इसीलिए अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है, इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है। हम तो सीधे कहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। गरीब यात्रा में फिर यहाँ पे आ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के नजरों से छूट गई है बातें, जो लोग उनके पास नहीं पहुंचने दिया है अफसर लोग, या गरीब लोग नहीं जा सका है, वो बातों को संकलित कर रहे हैं। 26 तारीख को सबसे आवेदन मांगा है, वो आवेदन मिलेगा, वो लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि आपका वो जो समाधान यात्रा है ये सब को पूरा कर दीजिएगा तो आपका समाधान यात्रा पूरा हो जाएगा। ऐसे अभी आपका समाधान यात्रा तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि जहाँ आप गए हैं, जिस जिला में गए हैं, इतनी संवेदनशीलता आई है कि हर क्षेत्र में विकास का मैंने लॉ आगे बढ़ा है, इसलिए आपका क्षेत्र यात्रा ठीक थी, लेकिन उसको और कुछ करने की जरूरत थी, उसमें हम सप्लीमेंट करेंगे।
बालू में सर एसडीओ साहब का 25% भागीदारी आ रहा है, अभी सब हम नहीं जानते। तो ये जीतन राम मांझी के बयान है। देखिए, मांझी बिहार में गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं। जीतन राम मांझी के तेवर बता रहे कि वो महागठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं, लेकिन दलित का बेटा चेहरा कब बनेगा ये सवाल भी वो छोड़े जाएंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है, और वो वक्त भी आपको मालूम होगा जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के चेहरे पर मांझी को सहमति थी। सीट शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से वो नाराज हो गए थे और उन्होंने तब महागठबंधन को बाय बाय किया था, नीतीश कुमार के साथ वो आ गए थे। लेकिन अब जब कह रहे हैं कि मेरे बेटे में कमी है क्या, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे भाई? तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे या फिर मांझी महागठबंधन को झटका देंगे? कल रात खबर विशेष में इस बात पर चर्चा होगी कि तुलनात्मक रिपोर्ट क्या कहता है, कौन है किस पर भारी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।